खबर अनूपपुर से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि 10 दिनों से नाबालिग लड़की लापता है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने में कोई रुचि नहीं ले रही है। जबकि परिजन ने कोतवाली से लेकर अनूपपुर पुलिस अधीक्षक तक के पास फरियाद लगाई है, फिर भी पुलिस बेबस माता पिता की फरियाद सुन नहीं रही है और मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। वहीं पुलिस के इस रवैये से परेशान परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस दौरान राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल का भी भ्रमण हुआ है। मामला उनके संज्ञान पर भी आया, तब उन्होंने अनूपपुर पुलिस अधीक्षक को भी फटकार लगाते हुए बच्ची को जल्द ढूंढने की बात कही। अनूपपुर से ओमकार सिंह की रिपोर्ट। हमारी बेटी को अगवा करके ले गए हैं। कौन ले गया अगवा करके? सुनील चौधरी और मोहनलाल चौधरी। कितने उम्र की थी आपकी? 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की थी जी। आपने थाने में शिकायत दर्ज की? जी हम किए। क्या बोल रहे थाने वाले? थाने वाले बोल रहे हैं कि ठीक, हम देखेंगे। लगभग कितने दिन बीत गए? 6 दिन हो गए। अच्छा, जिन लोगों ने अगवा करके ले गए हैं आपकी भतीजी को, क्या आप उनके घर में गए थे? हाँ, भाभी गई थी। तो वहाँ कोई कुछ मिला जानकारी? भाभी गई थी तो वो मोहन चौधरी ने इनको हड़प के भगा दिया घर से। तुमको जो करना हो जाओ कर लेना। FIR दर्ज होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें दर्ज होती है, उसके बाद जो भी व्यक्ति आरोपों के संदेह में या दायरे में आता है, उस व्यक्ति का नाम हम डायरी में खोल देते हैं। इसमें जो व्यक्ति का नाम संदेह में आया है, उसका नाम अपराध डायरी में आ चुका है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका नाम प्रथम FIR रिपोर्ट में ही हो, क्योंकि प्रथम FIR रिपोर्ट प्रथम सूचना पे दर्ज होती है, उसके बाद उस अपराध से जुड़े हुए कोई संदेही व्यक्ति है या आरोपी है, उसका नाम डायरी में शामिल किया जाता है, उसके विरुद्ध साक्ष्य, उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप और अपराध। सर, लड़की 10 दिन से लापता है, सर क्या पड़ताल की जा रही लड़की के लिए? इसमें लगातार हमारी टीम लगी है। इसमें जो हमारी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, जिसके संबंध में अभी मैं आपके सामने नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो सेक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार के सेल हैं, साइबर सेल आदि, इनका सबका सहयोग लेकर के हम कर रहे हैं।